मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव पलड़ी की जनता में भारतीय जनता पार्टी का विरोध नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी से आवारा पशु बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इन आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करा देती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता वोट करेगी, अन्यथा खतौली उपचुनाव की तरह बहिष्कार करेगी। वहीं गांव का दलित समाज भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को समर्थन की बात करता है और मायावती की राजनीति से किनारा कर रहा है। इसका कितना प्रभाव 24 के चुनाव पर पड़ेगा? भाई जनता जो है बदलाव मांग रही है अब, और जो है बदलाव होगा और प्रभाव तो पड़ेगा ही। जो अब का निर्णय हुआ वही होगा 2024 में। किस तरह देखते हैं बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को, क्या कमी मानते हैं, क्या अच्छा लगता है? अरे भाई किसान मजदूर परेशान है, ये बछड़े वछड़े छुड़वा रखे हैं, सारा तो ये खा जा राशन, और बचता कुछ नहीं। मजदूरी परेशान है, गाय वाय पाल ले तो बेचारे बिक जाते, वो भी खत्म कहानी। अगर गठबंधन को तरफ जाता है तो गठबंधन में किस तरह की उम्मीद रखते हैं? गठबंधन में भी भाई बदलाव है, नई सोच है, नया कुछ करेंगे वे भी, वो तो बाद में पता लगेगा उनका, पर बदलाव तो होना चाहिए ही। आवारा पशुओं का समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या बीजेपी की तरफ से? भाई अगर आवारा पशुओं का समाधान क्या, ये बंद ऐसे करने के लिए समाधान क्या, कितनी गौशाला बना लो, जब भी पूर्ति नहीं होने वाली, रात खड़े हैं फिर तो बटन ना लियो। ये सब इनका समस्या का समाधान हो जाता है क्या, बीजेपी की तरफ लौटेगा? फिर तो कुछ जागे। हाँ अगर मान लिया, अगर ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए भाई, समाधान ये है इसका, जो है गौशाला बना दी, वो बना दी, बिल्कुल बंद होनी चाहिए ये, और बंद हो कहीं रोजगार मिलेगा मजदूर आदमी को भी, भाई किसान को भी रोजगार जब मिलेगा। क्या जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी अहम होगी या प्रत्याशी अहम रहेगा? इसमें तो जी पार्टी अहम होगी भाई, पार्टी पे जावे लोग, पार्टी प्रत्याशी तो बहुत आवा है, प्रत्याशी पर जो जिससे जुड़ा हुआ उसकी तरफ भागेगा ना, पार्टी से जुड़े। हाँ जो पार्टी से जुड़े, जो पार्टी से जुड़े हुए वे उसे नहीं देखते प्रत्याशी को। उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई ये तो ये डंगर फिर रहे ना खेतों पे, इसी की बात, इसी से परेशान हुए लोग बस। अगर इसका समस्या का समाधान कर देती है 24 से पहले बीजेपी तो क्या बीजेपी की तरफ लौटेगा? बिल्कुल लौटेगा, बिल्कुल निश्चित बात है। खतौली का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था तो क्या कारण बीजेपी की हार का मानते हैं उपचुनाव में? यो ये बस शायद खेतों पे टंडा लिया फिर रहे, सजो कुछ पोरे सब खा जाए फसल, और कुछ इसी मुद्दे पे वोट नहीं दिया। 24 के चुनाव में क्या रहेगा भाई, अगर ये इनका इंतजाम हो जाए तो मैं तो ये बात बोलूँगा फिर बीजेपी का, हम पहले भी थे अब भी उसी करेंगे। बीजेपी पक्के वोटर है, इस बार में बीजेपी को वोट क्या? नहीं नहीं इस बार नहीं दिया, इस बार नहीं दिया ना। आवारा पशु की वजह, आवारा पशु की खड़े ये फिर रहे, अरे का खेत में 10-10 बढ़ रहे अब भी बढ़ रहे बाबा के, मैंने दो हाँ चुनाव हुआ है जी, कितना प्रभाव इसका 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये तो जी आगे इतना तो आगे हमें पता नहीं जी, पड़ेगा ही पड़ता है, चढ़ जा रहा फर्क तो चुनाव में वैसे बालियान का सही हिसाब बनता है। जैसे गठबंधन बना है जी, क्या गठबंधन से किस तरह की उम्मीद है? और बनेगा जी गठबंधन का ही बनेगा सांसद में, बीजेपी की किस तरह के साथ जी? काम तो सब एक से ही करवा रहे, कौन करवा रहा है? बीजेपी काम करती आ रही है, कई योजनाओं का लाभ बीजेपी ने मुस्लिमों को दिया है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन का हो, सबको मिल रही है सुविधा, सबको बराबर मिल रही हो तो अरे छुट्टी। भाई खतौली का उपचुनाव हुआ है,
कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? 24 के में खाद्य उठा देंगे आपके, अब तक पेमेंट उस वो नहीं हुआ भाव डिक्लेयर गंडे का भी। हाँ ठीक है ना, अगर भाव घोषित हो जाता है क्या बीजेपी की तरफ? अब क्या होता, अब तो एक साल रह गया, 5 साल में कुछ नहीं बताया, तो नाराजगी ऐसी हो जाती है। फुल भाई फुल। तो किस तरह का रहेगा 24 में आपके? बस खद्दे उठा देंगे अब इसके बीजेपी का। जैसे मुस्लिमों को जोड़ने की बात करती है, योजनाओं के लाभ मुस्लिमों को देने की बात करती है बीजेपी, एक को नहीं मिला यहाँ कुछ भी आवास मकान, एक यहाँ किसी हिंदू का भी नहीं हुआ, किसी हिंदू भाई का भी एक आवास नहीं बनाया। हाँ जी, फ्री राशन की बात हो, राशन का क्या, राशन से तो और मजदूर भी नहीं मिल रहे हमें, फ्री का मिल रहा, राशन फ्री दे के तो मजदूर भी नहीं मिल रहे, फ्री का खाना खुआ वो करवा दिया इन्हें, नौकरी देवे जॉब देवे, फ्री राशन ना देवे, राशन की क्या जरूरत है फ्री की, ये तो सभी देते आ रहे, पहले से नहीं मिलता, 2 रुपये किलो अब बस फ्री हो गया, यही इसी ने करा भाई अजनवा, पहले 2 रुपये किलो नहीं मिले था सबको मिले था, तो क्या नाराजगी रहेगी भैया, नाराजगी और क्या करें, किसान मजदूर सब परेशान है। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव का देखते हैं भाई? ये तो हमारे चंद्रशेखर भाई बताएंगे, जहाँ चंद्रशेखर भाई कहेंगे वहीं पर अपना वोट डालेंगे। जैसे गठबंधन बना है, क्या चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में टिक पाएंगे? अजी वे नाते तो बीजेपी निकलती यहाँ पर, यहाँ पर चंद्रशेखर भाई नाते उपचुनाव में कितना प्रभाव मानते हैं पड़ा है? पूरे दलित समाज जो है हमारा भाई सारा वहीं पर है, जहाँ संजीव हमारे भी वो कहेंगे चंद्रशेखर भाई रावण उधर ही साइड है। मायावती का प्रत्याशी भी मैदान में होगा, क्या मायावती के प्रत्याशी को वोट देगा चंद्रशेखर आजाद? क्या मायावती की ये बात है, मायावती हमारी बुआ है, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, ये तो हमारे दोनों नेता बताएंगे कि ये दोनों बीच में बैठ के क्या संगठन करते हैं अपना या कैसे भी बात करते हैं, मायावती का प्रत्यक्ष आया तो भाई इसकी बात अलग है, मायावती को वोट देगा। हाँ पहले मायावती भी है अच्छी, गलत नहीं है कि मायावती का हमारे वो है, जैसे मायावती की राजनीति इस दौरान अब निष्क्रिय सी नजर आती है, चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता उभरे हैं गठबंधन के बाद चुनाव में, तो किस तरह समाज का रुख तो चंद्रशेखर रावण की साइड में चल रहा है, जो इस तरीके का जिस टाइम जोर है, दो अब जो देखा नहीं आपने चुनाव में इस तरीके से, इसमें उपचुनाव में तो मायावती का प्रत्याशी नहीं था कुछ इस वजह से भी माना जा रहा है, नहीं अब आज तभी है तो उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने का मायावती जी, और फिर हमारी इतनी जन सुनो इतनी हमारी वोट बैलेंस है यहाँ पर खतौली में भी है मुजफ्फरनगर में भी है, हमारे आदमी को तो आते टिकट ही नहीं मिला, वोट तो हम खाली में दे रहे हैं सबको बीजेपी, किसे टिकट मिल जाए हमारी बिरादरी को हम उसके साथ हो जाए। का उपचुनाव हुआ है इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं प्रभाव का? कारण डंगरों का है, भाव का है, गन्ने का और नौकरी का है, कई प्रभाव है। अच्छा, अगर आवारा पशुओं का और गन्ने का भाव घोषित कर देती है, समस्या का समाधान तो क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? हाँ बीजेपी की तरफ तो जाते ही, बीजेपी से कटेंगे ना इससे, कटे हुए अगर हाँ। उनकी समस्या का समाधान कर देती है हमारा पशु और गन्ने का, तो क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे? बहुत वोट मिलेंगे बहुत बीजेपी को। बीजेपी तो जैसे बाल समाज बीजेपी का वोटर रहा है, तो किस तरह देखते 24 के चुनाव में? क्या बाल समाज से ही है, बाल समाज से वोट तो वहीं दी बीजेपी को ही, पर आगे जो फिर फटाव हो जाएगा ना 24 में अगर समस्या का समाधान नहीं होता, हाँ नहीं होता तो जैसे गठबंधन भी उभरा है चुनाव में, गठबंधन से तो भाई प्रभाव तो पड़ता है, पर जब लोगों का मन फिर जाएगा फिर गठबंधन पे जाएंगे भाई, गठबंधन पे जाएंगे ना। चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव का? बहुत काफ़ी पड़ेगा। क्या कारण है, क्यों पड़ेगा? कारण यह है ना, यहाँ ना किसानों को बेचारे को लाचार कर रखे, रात तो भाग्य फिर हो जाए, डंड ना लियो, बीच ने बाजार छोड़ रखे, गाय छोड़ रखी है, सबकी फसल खा रही, गेहूँ खा रही, बरसी नहीं होने दे रही बेचारे को, इनकी जैसे
सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा था, किस तरह देखते चौबीस के चुनाव? अरे सर आपका नाम बनना गए आपको तो ये आओगे गठबंधन आओगे गठबंधन आएगा तो क्या उम्मीद गठबंधन सर उम्मीद काम बैठा करें गठबंधन और क्या जैसे बीजेपी है किस तरह देखते बीजेपी के साथ बीजेपी भी ठीक है पर ये तो सांड उनसे छोड़ रखे हैं उन्होंने परेशान कर रखे है अगर इस समस्या का समाधान करा देती है वाला पशुओं का तो क्या बीजेपी की तरफ रुख करेगा किसान? हाँ कर भी सका भाई कर भी सका आपको भी विचार जुटाएंगे भाई ने फिर बीजेपी की तरफ हुआ है हम तो भाई अब जैसे चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या कारण है चंद्रशेखर आजाद के भाई हमारे बिरादरी का है और हमारे सहयोग से है उसके साथ जब वो आया हमारे साथ हमारी वजह से तो आया गठबंधन में आए चंद्रशेखर आजाद कितना मजबूत मानता है गठबंधन हुआ है उनके साथ हमारे सही हुआ उसका बढ़िया गया गठबंधन यहाँ से आगे अगर ऐसा ही चलता रहा रेड मिली सरकार चलती रही हिंदू और मुस्लिम ये चलता रहा तो फिर डिग्री कर देता चल जाएगा अगर उनका भी सतौली का उपचुनाव हुआ है कितना प्रभाव इसका 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा 24 के लोकसभा पर बहुत फर्क पड़ेगा इससे जो अब फिलहाल हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है वो युवाओं पर ध्यान नहीं देती बेरोजगार बढ़ता जा रहा है बीजेपी सरकार में जो अब जा हमारे चंद्रशेखर भाई आई है उससे अगली बार जो सीएम बनते हैं उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा अब देखिए जो 2018 में पुलिस की वैकेंसी आई थी अब तक वैकेंसी नहीं आई 2018 की वैकेंसी 21 में पूरी हो रही है बता 3 साल में एक वैकेंसी पूरी होगी तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा अच्छा जैसे समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने की बात करता है किस तरह की उम्मीद चंद्रशेखर आजाद से है देखिए आप इससे पहले हमारे पास कोई और चेहरा नहीं था जो अब जब भाई हमारे चंद्रशेखर आए हैं उससे हमें बहुत उम्मीद है जैसे मायावती रही है उनका किस तरह का कार्यकाल समाज के लिए रहा समाज के लिए तो काफ़ी काम करा है लेकिन जो अब युवा आए हमारे भाई आए ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए मायावती के प्रत्याशी को वोट करेगा समाज 24 में या चंद्रशेखर आजाद को नेता मानकर वोट करेगा नहीं जो युवा है हम तो उसके साथ जाएंगे ना चंद्रशेखर आजाद के अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन